वेलकम टू शबीना का हुनर। आज हम बनाने जा रहे हैं रजब की मीठी टिकियाँ, क्योंकि आज रजब था तो मैंने ये रजब की टिकियाँ बनाने ही जा रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपको भी शेयर कर दूं। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मेजरिंग के लिए मैंने यही कटोरी ले रखी थी, तो इसमें जो है 2.5 कटोरी मैदा है, 2 कटोरी पिसी हुई चीनी है, ये 1/2 कटोरी सूजी, ये थोड़ा मैंने पानी ले रखा है यूज़ करने के लिए, ये 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल है, ये मेरा 150 ग्राम जो है कोकोनट है जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये 5 ब्लैक और 5 जो है ग्रीन वाली इलायची जो कि मैंने पाउडर बना के रख लिया है। चलिए आप इसको जो है आटे को बना लेते हैं, गूंद लेते हैं। चलिए ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले रखा है, तो अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये है हमारा मैदा जो मैंने 2.5 कटोरी ले रखा था, आपको बता दिया, और ये है हमारी चीनी 2 कटोरी, और ये है मेरा गरी पिसी हुई, और ये इलायची। ये दोनों इलायची मैंने इसलिए यूज़ किया, इसके दोनों का मिलकर जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक बार आप ट्राई कीजिए। और ये है सूजी है जो कि मैंने इसे क्रंची बनती है इस वजह से मैंने इसे यूज़ किया है, वैसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये मैं सारा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और ये ऑयल इसमें डाल देती हूँ। ये पानी वैसे तो बहुत से लोग जो हैं दूध भी इसमें यूज़ करते हैं, पर इससे क्या होता है उससे क्रिस्पी नहीं बनती, उससे सॉफ्ट हो जाती है, और पानी यूज़ करेंगे आप और पिसी हुई चीनी तो इससे जो है क्रिस्पी बनती है। ऐसे ही आप ऐसे इसे अच्छे से टाइट करके हाथों से गूंदना है, और ऑयल मैंने इसलिए कम यूज़ करा इसके अंदर क्योंकि ये फिर फटने का डर रहता है, इसमें ऑलरेडी जो है हमने जो है जो गरी डाली है उसमें ऑयल होता है, इस वजह से थोड़ा कम यूज़ किया। ये देखिए आटा हमारा जो है तैयार हो गया गूंद के, इसमें आप चाहें तो कम भी शुगर जो है यूज़ कर सकते हैं, मैं जो हूँ मीठा पसंद करती हूँ ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा डाली है, आप चाहें तो कम यूज़ कर सकते हैं। आप इसे तो हमारा आटा जो है गूंद गया है, और हम इसे ढक करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए, इसके बाद में आपको फ्राई करके देते हैं। चलिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं, चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं अपने आटे को, आटा हो गया हमारा। अब हम इसे गैस स्टोव को ऑन कर देते हैं, और हमने जो है इसमें ऑयल डाल दिया है, डीप फ्राई करनी है हमें, इसलिए हमने आधी कढ़ाई जो है ऑयल डाला हुआ है। रोक दिया था क्या हमने? चलिए अब हम इसके जो हैं टिकियां कट कर लेते हैं। ये हमने सूखा जो है अलग से मैदा लेकर रखा है, ये तो अभी रो चल, ये
इसे मैं इस गिलास से कट करूंगी। इसे राउंड बेल के ये देख लीजिए अपने हिसाब से, बस जो है ज़्यादा ना मोटी होना चाहिए और ना ही इसे ज़्यादा पतली बनाना है, ये इस साइज की। देखिए आटा ऐसा है कि आराम से हमारा जो है फोल्ड हो जा रहा है, इसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ रही मेहनत और आराम से बिल भी जा रहा है। ये गैस स्टोव को हाई फ्लेम पे कर देते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होती हैं, बना के भी आप सेव कर सकते हैं, 15-20 दिन तक के लिए आराम से आप बना के रख सकते हैं, चाय के साथ कभी भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अब देख लेते हैं ऑयल हमारा, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे ही डाल के देखती हूँ ऑयल हो गया। ऑयल जो है हमारा तकरीबन हो गया है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं तेज़ करनी है हमें, लो फ्लेम पे ही हमें जो है इसे हल्की हल्की आंच पे सेकनी है। तो हम इसमें डाल देते हैं इसे, ज़्यादा नहीं डालनी, बस खाली मैंने जो है इसमें 7 डाली है। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसी इसी माच पर हमें जो है हल्के हल्के ब्राउन होने तक ऐसे ही इसे हल्के हल्के सेकना है, अपने पलटते रहिए। देखिए ऐसे आपको सेकते रहना है दूसरी माच पर। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से सीख रही है ये। इसे ऐसे ही थोड़ी देर तक सीखते रहिए। ये देखिए गोल्डन हो गई है ये। अब हम इसे जो है निकाल लेते हैं। और ये वाली भी इसे ऐसे ही सेम आँच पर इसे भी ऐसे सेक लेते हैं। चलिए ये जो है हमारी हो गई है, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमारी टिकियां बनकर तैयार हो गई हैं। इंची टिकियां देखिए हमारी टिकियां बनकर तैयार हो गई हैं और ये बड़ी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। ये जो है